गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इनहांस। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक्सेल के छोटे छोटे ट्रिक्स को कंबाइन करके हम एक पावरफुल इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। लेट्स सी। सो मेरे सामने एक बेसिक सा डेटा है, दिस इज डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस डेटा, जहाँ पर मेरे पास कुछ पीरियड्स हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, देर आर सर्टेन पैरामीटर्स जैसे क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और उनके रिस्पेक्टिव स्कोर्स है। अगर आप इस डेटा को थोड़ा सा गौर से देखोगे तो देर आर फ्यू बेसिक कंपोनेंट्स। सो इस डेटा में मेरे पास पीरियड्स में 12 पीरियड्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। डिपार्टमेंट में मेरे पास 4 डिपार्टमेंट है, सेल्स, फिनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। और पैरामीटर्स में 2 पैरामीटर है, क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। नाउ वी नीड टू कंबाइन ऑल दिस थिंग्स। इन सब को कंबाइन करके हमें क्या करना है, हमें एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाना है फ्रॉम दैट डेटा। सो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का डैशबोर्ड हम बनाने वाले हैं। नाउ दिस इज द डैशबोर्ड दैट वी वांट टू क्रिएट। आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में, अगर मैं किसी भी मंथ में मैं अगर सिलेक्शन को चेंज कर रहा हूँ, मीन्स अगर मैं अप और डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ, सो आई एम गेटिंग द अपडेटेड चार्ट इन द राइट साइड। अगर मैं डायरेक्टली किसी मंथ में भी क्लिक कर रहा हूँ तो उस मंथ का आपको डैशबोर्ड दिखा रहा है। इन द टॉप इट्स शोइंग डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर मैं फरवरी में कर्सर रखूंगा तो ये इस तरह से मंथ भी अपडेट कर रहा है। सो वी वांट टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ डैशबोर्ड। आज हम सीखेंगे कि कैसे ये छोटे छोटे से एक्सेल के ट्रिक्स को कंबाइन करके हम एक इंटरेक्टिव पावरफुल डैशबोर्ड बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज द डेटा जिसका हम अभी डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। ये एक मैंने न्यू वर्कबुक में लिया हुआ, इस फाइल में और कुछ नहीं है, ओनली द डेटा इज देयर। ठीक है, और ये डेटा मैंने एक्सेल टेबल फॉर्मेट में लिया हुआ है। टेबल फॉर्मेट, कोई भी डेटा को आप कंट्रोल टी से टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड द नेम ऑफ दिस टेबल इज परफॉर्मेंस। सो लेट्स सी कि कैसे क्रिएट करते हैं। सो अब मैं क्या करूंगा, दिस इज द डेटा, मैं एक शीट ऐड करता हूं विच इज द कैलकुलेशन शीट। तो जो भी मेरे इंटरमीडिएट वाले काम होंगे, जो भी मेरे कैलकुलेशंस होगा, मैं इस शीट पे करूंगा। सो वी आर हैविंग 4 डिपार्टमेंट्स, सो मैं ये सारे डिपार्टमेंट्स के नाम लिख लेता हूं यहां पर। यहाँ पर मेरे पास 4 डिपार्टमेंट है, सेल्स, फिनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। सो इट्स बेटर टू कॉपी पेस्ट। सेल्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल प्रेस करके फिनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन ह्यूमन रिसोर्सेज। ये चारों डिपार्टमेंट को कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पर पे स्पेशल वैल्यूज कर दिया। डन। नाउ सो देर आर 2 पैरामीटर, क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्वालिटी एंड देन प्रोडक्टिविटी। स्पेलिंग ध्यान से लिखना है फ्रेंड्स, क्योंकि इसी के बेसिस पे डेटा पॉपुलेट होगा। सो ये डेटा कब अपडेट होगा, जब यूजर पर्टिकुलर किसी मंथ को सिलेक्ट करेगा। सो मैं एज्यूम करता हूं कि यूजर जो भी सिलेक्ट करे वो मंथ यहां पर आ जाए। लेट्स से जनवरी कर देता हूं इस यहां पर। लेट्स से जनवरी के जो भी डेटा है उसके बेसिस पे सेल्स का क्वालिटी का स्कोर आना चाहिए एंड सेल्स डिपार्टमेंट का प्रोडक्टिविटी का स्कोर आना चाहिए। मतलब सेल्स के क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों का स्कोर आना चाहिए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। और इस सेल को मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से माय मंथ। नेम देने का पर्पस ये है कि ये आपका कंसिस्टेंट रहेगा, तो रेंज को मैं रेफर नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं नेम को रेफर करूँगा फॉर्मूला में, माय मंथ। नाउ लेट्स यूज द सम इफ्स फंक्शंस टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। डिजायर्ड रिजल्ट का मतलब जनवरी का सेल्स का क्वालिटी का डेटा। सो इक्वल्स टू सम इफ्स, आई विल बी यूजिंग द सम रेंज। तो सम रेंज मेरा क्या हो जाएगा, ये स्कोर इज द सम रेंज, क्योंकि स्कोर का ही मुझे ग्राफ बनाना है, डैशबोर्ड बनाना है। नाउ क्राइटेरिया रेंज 1, सो मंथ इज द फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज, ये हो गया। क्राइटेरिया 1 इज माई मंथ जो मैंने अभी बनाया। नाउ क्राइटेरिया रेंज 2, सो दिस इज द डिपार्टमेंट, सो आई विल बी सिलेक्टिंग द डिपार्टमेंट, कॉमा क्राइटेरिया 2, सो क्राइटेरिया 2 वुड बी द दिस वन। तो यहाँ पर मेरा C5 में C इज फिक्स, तो मैं F4 से C को फिक्स कर लूँगा। नाउ कॉमा इट्स आस्किंग फॉर द क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया रेंज 3 इज दिस वन, ये पैरामीटर वाला, सो आई विल बी सिलेक्टिंग दिस वन, कॉमा क्राइटेरिया 3, मैं कैलकुलेशन वाला सीट पे जाऊँगा एंड आई विल बी सिलेक्टिंग दिस वन। सो यहाँ पर मेरा फिक्स हो जाएगा रो, सो आई विल बी फिक्सिंग दिस 4, ब्रैकेट क्लोज एंटर। एक चीज़ फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर मैं कैलकुलेशन वाले सीट पे कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, आप देख रहे हो कैलकुलेशन वाला नाम आ जा रहा है, सो आई कैन रिमूव दिस वन। आपको अगर नहीं चाहिए तो यू कैन रिमूव द सीट नेम, क्योंकि सेम सीट में अगर आप कोई भी फॉर्मूला लिखते हो तो सीट की रेफरेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ आई हैव डिलीटेड दिस वन।
सो आई एम जस्ट कंट्रोल सी और मैं इन सबको पेस्ट कर दूंगा यहां पर. नाउ दिस इज इन नंबर फॉर्मेट, तो मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा. द शॉर्टकट फॉर कन्वर्टिंग ए नंबर टू ए परसेंटेज इज कंट्रोल शिफ्ट 5. सो मैं कंट्रोल शिफ्ट 5 कर दूंगा, सो आई एम गेटिंग द परसेंटेज. मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग ठीक कर लेता हूं इन सबका. दिस इज, ये हो गया बोल्ड. इसको थोड़ा सा, इसको भी सेंटर कर लेता हूं. ठीक है, और इस सेल को थोड़ा सा मैं कलर करके रख देता हूं. दिस इज दिस वन, दिस इज द मंथ विच इज माय मंथ. नाउ लेट्स चेंज द मंथ. अब मैं करता हूं मार्च. सो जैसे मैं मार्च करूंगा, ये मार्च का डेटा आ रहा है, परफेक्ट. जैसे मैं अगस्त करता हूं, अगस्त का डेटा आएगा. लेट्स क्रिएट ए चार्ट फ्रॉम दिस डेटा. ये डेटा से एक चार्ट बनाता हूं. सबसे पहले इंसर्ट, लेट्स क्रिएट दिस चार्ट. ये चार्ट बनाता हूं. ओके, सो दिस इज द बेसिक चार्ट. अगर आप देखोगे तो इट्स, दिस इज शोइंग एज सेल्स, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज. अगर आपको इस क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी का ग्राफ बनाना है और बाकी चार को लेजेंड में डालना है, तो यू कैन गो टू डिजाइन टैब और यहाँ पर स्विच रो कॉलम कर सकते हैं. मतलब आपके अकॉर्डिंग आपको जिस तरह के भी ग्राफ बनाना है, यू कैन सेलेक्ट दिस वन. सो लेट्स क्रिएट दिस टाइप ऑफ ग्राफ. सो मैं सेल्स, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को रखूंगा. एक और शीट मैं क्रिएट करता हूँ, विच इज द डैशबोर्ड शीट. डैशबोर्ड. अब मैं इस चार्ट को क्या करूंगा, मैं इसे कट करके मैं इस शीट पे ले आता हूं. नाउ ये आपके डेटा आ रहा है. अब ये चार्ट पता है फ्रेंड्स कब अपडेट होगा? जब भी ये कैलकुलेशन शीट पे आपके मंथ अपडेट होगा. मैं जैसे कर लेता हूं जून, सो ऑटोमेटिकली ये डेटा अपडेट होगा. अगर आप चार्ट में देखोगे तो चार्ट भी जाके अपडेट हो रहा है. अब मैं इस चीज़ को एक इंटरेक्टिव रेंज को सिलेक्ट करने के टाइम में बनाना है कि यूज़र किसी भी मंथ में रेंज के में सिलेक्ट करे और दिस चार्ट्स ऑटोमेटिकली गेट अपडेटेड. सो देखते हैं अब इस शीट को कैसे कस्टमाइज करें, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन वाले शीट का काम मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा है. अब मुझे क्या करना है, मुझे डैशबोर्ड वाले शीट पर काम करना है. सो मैं काम करता हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू दिस वन. यहाँ पर मैं मंथ के नाम लिख लेता हूँ, जनवरी से लेके दिसंबर, लाइक दिस. इसको थोड़ा सा बेटर, क्योंकि दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन शीट, थोड़ा सा बेटर करता हूँ मैं. ये अलाइनमेंट थोड़ा सा सेंटर कर देता हूँ, इसका लेफ्ट अलाइनमेंट करके थोड़ा सा इनको राइट साइड में मूव करता हूँ. अब मैं इसका रो हाइट थोड़ा सा कस्टमाइज करता हूँ ताकि ये सीट में थोड़ा सा कवर हो जाए, लाइक दिस. इसका फॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ टू तहोमा. ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगेगा यू कैन डू दैट. सो ये हो गया मेरा. अब मैं क्या करूँगा, इस चार्ट को, इस बेसिकली जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मुझे उसको अलाइन करना है. नीचे अगर मैं जाता हूँ तो नीचे भी मुझे ये दिसंबर तक ये करना है. अब मैं क्या करूँगा, लेट्स रिमूव द ग्रिड लाइन्स. मैं ग्रिड लाइन्स को रिमूव कर देता हूँ. अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आई जस्ट सिलेक्ट दिस वन और मैं कंट्रोल वन में चले जाता हूँ. फॉर द बॉर्डर फॉर्मेट सेल में जाऊँगा. फॉर्मेट सेल में जाने का शॉर्टकट है कंट्रोल वन, या राइट क्लिक करके भी फॉर्मेट सेल में जा सकते हैं आप. आई जस्ट गो टू बॉर्डर. बॉर्डर में एक थोड़ा सा सॉफ्ट सा बॉर्डर यूज़ कर लेता हूँ, लाइक दिस. थोड़ा सा चार्ट के कलर के साथ मैच कर गया यहाँ पर ये अलाइनमेंट, क्योंकि फ्रेंड्स पता है डैशबोर्ड में थोड़ा सा लुक एंड फील पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. कैलकुलेशंस तो है ही, बट लुक एंड फील भी मैटर करता है. अब मेन जो काम आता है, दिस हैज़ टू बी डन, कि जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा इसके बेसिस पे डेटा आएगा. एंड आई विल बी यूजिंग द पावरफुल VBA प्रोग्रामिंग. छोटा सा मैं कोड लिखूंगा और इस कोड से आपका जो अभी तक का जो भी आपका फाइनल टच है वो मिल जाएगा कि रेंज सेलेक्ट करते ही आपका चार्ट अपडेट हो. अब एक चीज़ ध्यान देना है फ्रेंड्स, मैंने मुझे कुछ ऐसा कोड लिखना है कि ताकि मैं कर्सर जहाँ भी मूव करूँ, लेट्स से कि मेरा कर्सर अभी मे में है, सो जैसे मैं मे में कर्सर रखूँ कैलकुलेशन वाले सीट पे, इस सेल पे, माय मंथ वाले सेल पे मे अपडेट हो जाए, लाइक दिस. जैसे मेरा मे अपडेट होगा ऑटोमेटिकली ये चार्ट आपका अपडेट हो जाएगा. सो आई विल बी राइट क्लिकिंग ऑन दिस वन डैशबोर्ड, जो सीट का नाम है इसमें मैं राइट क्लिक करूँगा और मैं व्यू कोड में जाऊँगा. एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कि यहाँ पर आपके जो कर्सर मूवमेंट होगा ये B3 से लेके B14 तक मूव होना चाहिए. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो टू राइट क्लिक एंड गो टू व्यू कोड.
Now, this is the VB editor. ये आपके जो करेंट सीट है, दिस इज द डैशबोर्ड सीट. सो मैं डैशबोर्ड सीट वाले में सबसे पहला ड्रॉप डाउन आता है, दिस इज वर्कशीट. और वर्कशीट में जैसे ही सिलेक्ट किया, देर आर लॉट्स ऑफ इवेंट. उसमें से एक इवेंट ऑटोमेटिकली आ गया, विच इज सिलेक्शन चेंज इवेंट. अब सिलेक्शन चेंज इवेंट फ्रेंड्स क्या होता है कि मैं एक्सेल सीट पे कहीं पर भी कर्सर अगर मूव करूंगा तो ये इसमें जो भी मैं कोड करूंगा वो कोड ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा. इसको रन करने की जरूरत नहीं है, ये सिलेक्शन चेंज में ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन कि मुझे कहां पर सिलेक्शन चेंज करना है ताकि मेरा कोड चले, क्योंकि ये सिलेक्शन चेंज इवेंट है फ्रेंड्स, ये सीट में कहीं पर भी मैं चेंज करूंगा तब काम कर जाएगा. बट मुझे कुछ स्पेसिफिक एरिया में कर्सर मूव करना है तभी मेरा वो काम करे. सो मैं फिर से उस सीट पे जाता हूं. नाउ मेरा B3 से लेके B14 तक अगर मैं कर्सर मूव करूं तभी मेरा काम करे. B3 से लेके B14 मतलब आपका कॉलम होना चाहिए सेकेंड और रो होना चाहिए 3 से लेके 14 तक. लेट्स सी. सो मैं यहां पर कोड लिखूंगा. इफ टारगेट, टारगेट एक कीवर्ड है जो आपके करेंट सेल को रिप्रेजेंट करता है. जहां पर भी मैं कर्सर मूव करता हूं उसको नाम दे देता है ये टारगेट. सो यहां पर भी आप देख सकते हो टारगेट एज रेंज. सो इफ टारगेट डॉट रो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड टारगेट डॉट रो इज लेस देन इक्वल्स टू 13 एंड टारगेट डॉट कॉलम इज इक्वल्स टू 3 देन एंड इफ. एक बार देखते हैं ये जो मैंने 313 और 3 किया है यहां पर, ये एक बार वेरीफाई करते हैं. सो मेरा रो नंबर क्या होना चाहिए, 3 से लेके 14 होना चाहिए. मैंने 13 कर दिया, सो आई विल बी चेंजिंग टू 14 और मेरा कॉलम 2 होना चाहिए. तो दो करेक्शन है, एक तो रो आपका 14 होना चाहिए एंड और 2 सेकेंड कॉलम. सो आई जस्ट राइट 14 हियर और कॉलम में मेरा हो जाएगा 2. नाउ अब मैं यहां पर लिखूंगा माय मंथ जो मैंने नेम डिफाइन किया था इज इक्वल्स टू टारगेट डॉट वैल्यू. ये चीज कर दूंगा 10. ये छोटा सा कोड देखिए क्या करेगा आप. नाउ लेट्स चेंज द सिलेक्शन. जनवरी, फरवरी, वाओ देखा, मार्च, अप्रैल में, तो ये डेटा चेंज कर रहा. अब इसमें ये चीज नहीं पता चल रहा, देखिए मई में मैंने कर्सर तो रखा हुआ है बट चार्ट में भी, ये चार्ट टाइटल में मैं कुछ चेंज करना चाहता हूं कि जैसे मैं अप्रैल में कर्सर रखूं तो यहां पर दिखाए कि डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. सो लेट्स गो टू द कैलकुलेशन शीट. तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक डमी टेक्स्ट बनाऊंगा, डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस फॉर द मंथ ऑफ, फिर इसे मैं एंड से कर दूंगा दिस वन. सो दिस इज माई मंथ, एंटर. अब मैं ये टेक्स्ट को वहां पर अपडेट करूंगा. सो आई विल बी सिलेक्टिंग दिस वन. मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला बार में जाऊंगा, इक्वल्स टू, आई जस्ट गो टू कैलकुलेशन सीट और इस सेल को सिलेक्ट कर दूंगा एंड देन एंटर. सो दिस इज शोइंग डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. सो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फ्रेंड्स एक चीज आप ध्यान देना, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है और 120% में जा रहा है, तो मुझे इसको फिक्स करना है फ्रॉम 0 to 100. सो आई जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस वन, एक्सिस वाले में मैं डबल क्लिक करूंगा, ये राइट साइड में मेरे ये पेन आ गया. सो आई जस्ट राइट 0 हेयर, फिक्स कर दूंगा और ये 1.2 मतलब 120% दिखा रहा है, सो 1 कर दूंगा, एंटर, डन. सो ये 0 से लेके 100 तक. सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये चेंज हो रहे हैं, वाओ. अब एक चीज़ ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको फॉन्ट वगैरह भी आप चेंज कर दो क्योंकि लुक एंड फील थोड़ा सा बेटर होना चाहिए. ये मैंने यहाँ पर फॉन्ट को चेंज कर दिया है, बोल्ड कर दिया है. सिमिलरली जो ये मेरा लेजेंड है इसका भी मैं साइज थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ, लाइक दिस. अब एक फाइनल टच और देना है कि जिस भी मैं मंथ में सिलेक्ट करूँ वो हाईलाइट हो ताकि वो थोड़ा सा और इंटरेक्टिव लगे. सो आई विल बी यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर दिस. सो मैं क्या करूँगा, मैं इसे पूरा सिलेक्ट करूँगा, आई विल गो टू होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल एंड आई विल गो टू यूज ए फॉर्मूला. सो इक्वल्स टू दिस सेल, ये B3 है जहां पर मुझे सिर्फ B को फिक्स करना है, इज इक्वल्स टू माई मंथ. माई मंथ के अगर बराबर है, मतलब फ्रेंड्स यहां पर ये जो रेंज है ना, यहां पर एट ए टाइम कोई एक ही सेल होगा जो माई मंथ के बराबर होगा उस साइड, उस सीट पे. सो जब भी वो बराबर हो
तो वो फॉर्मेटिंग कर ले. सो आई एम चेंजिंग द फॉर्मेट, तो मैं फिल में जाऊंगा, लेट्स मेक इट एज दिस ब्लू कलर. फॉन्ट में चले जाता हूँ, फॉन्ट में कर देता हूँ वाइट कलर लाइक दिस. ओके ग्रेट. सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और इस शीट का भी जो यहाँ पर रेंज का कलर है थोड़ा सा और ग्रेइश टाइप में करता हूँ लाइक दिस. इस चार्ट का भी कलर थोड़ा सा आपको ग्रे कर देता हूँ मैं लाइक दिस. ग्रेट. नाउ अब इसमें थोड़ा सा और कस्टमाइज करता हूँ फ्रेंड्स. लुक एंड फील में मैं चार्ट डिज़ाइन में जाऊँगा, चार्ट एलिमेंट्स में मैं जाऊँगा. यहाँ पर आपके ग्रिड लाइंस आते हैं, ग्रिड लाइंस में आप देख सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग आप जो भी ग्रिड लाइंस आपको डालना है यू कैन यूज़ दिस वन. सो मैं एक प्राइमरी मेज़र ऐसे कर देता हूँ, प्राइमरी मेज़र वर्टिकल कुछ ऐसा. सो फ्रेंड्स इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स को कंबाइन करके वी हैव क्रिएटेड ए पावरफुल इंटरेक्टिव डैशबोर्ड. और ये डैशबोर्ड आपके ऑफिस में किसी भी तरह के डेटा में आप यूज़ कर सकते हैं, बीट भी सेल्स डेटा, बीट भी परफॉर्मेंस डेटा, बीट भी फाइनेंशियल कोई डेटा. एक लाइन के ये VBA कोड ने आपका जो ये पावरफुल इंटरेक्टिव डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर दिया, अर्लियर विच वॉज ऑनली ए बेसिक चार्ट था. सो फ्रेंड्स एक चीज़ हम इसमें और कर सकते हैं, वी कैन हाइड दिस कैलकुलेशन शीट. मैं कैलकुलेशन शीट को हाइड कर सकता हूँ क्योंकि इस शीट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. आई कैन हाइड दिस वन. इवन वी कैन गो टू व्यू टैब और मैं ये जो हेडर्स आ रहे हैं ABCD और 1, 2, 3 वी कैन रिमूव दिस हेडिंग्स. तो थोड़ा सा ये बेटर लगेगा क्योंकि वाइड एरिया बन गया, तो सिलेक्शन करने में भी लोगों को ईजी रहेगा और जो अनवांटेड चीज़ है वो हिडन हो गया. एज दिस फाइल कंटेंट्स मैक्रोज, तो इसको आपको नॉर्मल वर्कबुक में सेव नहीं करना, यू नीड टू सेव दिस वर्कबुक एज मैक्रो एनुअल वर्कबुक. सो मैं F12 में चले जाता हूँ. नाउ जस्ट सेलेक्ट द लोकेशन जहाँ भी सेव करना, ये एक्सेल वर्कबुक है, सो आई विल बी जस्ट गोइंग टू एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक. यहाँ पर कर देता हूँ, लेट्स से कोई भी फाइल का नाम देता हूँ, परफॉर्मेंस डैशबोर्ड. नाउ सेव. सो फ्रेंड्स आई होप यू एंजॉयड दिस ट्रिक एंड आई एम श्योर यू विल इम्प्लीमेंट दिस ट्रिक इन योर ऑफिसेज. अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूले. एंड फ्रेंड्स यू कैन डाउनलोड दिस फाइल फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.